150 days remaining for the CAT 2024. How to start my preparation? What are the challenges I will be facing in my preparation? How to go about section by section? How much should I score to get good percentile with regards to the colleges? What should be my target? Everything I will be talking in this video. This is very very crucial video for all the CAT aspirant for the year 2024. So, अगर आपने पढ़ाई मई जून में चालू कर दी है तो अच्छी बात है. जून जुलाई में अगर आप चालू करने के बारे में सोच रहे हो या अगस्त में स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो, जब भी आप स्टार्ट करो ये वीडियो अच्छे से देख लेना. थोड़ा लंबा वीडियो होगा बिकॉज सारे पॉइंटर्स मैं डिस्कस करूंगा बेस्ड ऑन द माई एक्सपीरियंस व्हेन आई हैड अपीयर्ड फॉर माई CAT. सो यार अगस्त इज द टाइम जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, नोटिफिकेशन वगैरह आउट होते हैं, जुलाई एंड या अगस्त तक आपका CAT का नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है. बहुत सारे लोग गिव अप करते हैं, बहुत सारे लोग फिर समझ में आता है कि कैसे प्रिपरेशन को चैनलाइज करना है, फिर तीन चार महीने बचते हैं उनके पास पढ़ाई करने के लिए. ठीक है, सो 150 डेज का टाइमलाइन है अपने पास, पूरा प्लानर मैं देने वाला हूँ. बट एज आई सजेस्ट टू एवरीवन, जब भी मैं लाइव क्लास ले रहा हूँ या क्लासरूम में मेरा सेशन होता है, मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि कॉलेज डिसाइड करो कौन से कॉलेज में जाने वाले हो. बहुत सारे बच्चों का यह आता है कि सर मैंने अभी कॉलेज सोचा नहीं है. नहीं, आप पहले कॉलेज डिसाइड करो, सेट योर गोल, सेट योर टारगेट. ठीक है, तो ब्लैकी में टारगेट कर रहे हो, आई एम बैंगलोर हो गया, लखनऊ हो गया, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोझिकोड़े एंड इंदौर. तो ये है आपके टॉप 6 IIMs. ठीक है, इसके अलावा दूसरे जो न्यू IIMs है, बेबी IIMs है, वो टारगेट कर रहे तो अच्छी बात है. अपार्ट फ्रॉम दैट, टॉप बी स्कूल FMS SPJN MDI गुड़गांव एंड IIMT गाजियाबाद एंड देयर अदर कॉलेजेस आल्सो हु एक्सेप्ट द स्कोर ऑफ CAT. अपने लिए टारगेट ये है. ठीक है, सो सेट योर गोल, सेट योर टारगेट एंड किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन. प्रिपरेशन के लिए इफ यू वांट टू जॉइन अस, वी हैव सेंटर इन मुंबई. दिस इज व्हाट द सेंटर इट इज, वेस्टर्न सेंट्रल हार्बर, जहां पे भी आप रहते हो यू कैन विजिट द सेंटर. अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो तो ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर. सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली एंड वॉट एवर पॉइंट आई विल बी डिस्कसिंग, जॉट इट डाउन, शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड सो दैट एवरीवन शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो वेरी फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द टाइमलाइन. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. जून इज अबाउट टू ओवर, जून एंड में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. ठीक है, तो आप जुलाई से पकड़ो कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने हैं हमारे पास प्रिपरेशन को लेकर के. ठीक है, ये जो टाइमलाइन है जून, जुलाई, ठीक है, एंड अगस्त, यहाँ पे आपको आपके VARC प्लस कॉन्ट ये एरिया पे एग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत है. ठीक है, VARC एंड कॉन्ट. सेप्टेम्बर, अक्टूबर, इट इज़ फॉर द LRDI प्लस क्वांट. ठीक है, VARC आप RC सॉल्व कर रहे हो डेली वाले में, डेली प्रेप में मैं बताऊंगा क्या क्या करने वाले हो आप. ठीक है, तो ये आपका सितंबर अक्टूबर का प्लानिंग होना चाहिए. नवंबर, इट इज़ अबाउट द मॉक, इट इज़ अबाउट द रिवीजन, इट इज़ अबाउट द एनालिसिस और आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस को समझना. तो नवंबर में फुल फ्लेज में मॉक लिखना है. सो इफ यू हैव जॉइन मेन्यूअर यू विल बी गेटिंग द मॉक टेस्ट, आपका टॉपिक वाइज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट. आपको यहाँ पे एग्रेसिवली मॉक लिखना है. ठीक है, नवंबर हम मॉक लिखना पहले से ही चालू कर देंगे. विल ट्राई कि एटलीस्ट हम जुलाई एंड या अगस्त से मॉक लिखना चालू कर दें, बट थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी तो मॉक लिखेंगे तो बेटर है. थोड़े थोड़े मॉक लिखेंगे, एक एक मॉक लिखेंगे गैप के बाद, उसको लेके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा. बट दिस शुड बी योर आइडियल प्लानर लुकिंग एट अ टाइम बैंडविड्थ. जून से लेके नवंबर तक का जो टाइमलाइन है अपने को ये प्लानर लेके चलना है. ओके, जितने लोग ने मैन्युअल का अभी लाइव एंड क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, 1 सितंबर से मतलब अगस्त तक मेजर चंक्स विल बी फिनिशिंग और 1 सितंबर से आपके सेशंस होंगे जहां पे हम CAT वाले वर्कशॉप भी करेंगे, कॉन्ट को लेके, आपके वर्बल को लेकर के, तो वो भी अटेंड करना. सिलेबस मेजरली विल ट्राई टू फिनिश बाई अगस्त, या थोड़ा टाइम अगर सेप्टेम्बर में गया तो विल लुक एट. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू शुड स्ट्रेटेजाइज, यू शुड प्लान योर प्रिपरेशन. तो अपने को मेजर चंक्स अगस्त या सेप्टेम्बर तक खत्म कर देना है. अक्टूबर नवंबर में एग्रेसिवली अपने को मॉक LRDI पे काम करना है, LRDI के सेट्स उठाने हैं, सॉल्व करने हैं. LRDI हमेशा मैं बोलता हूँ एग्जाम के 2 महीना पहले हिट करने चालू करो, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ अ सेक्शन जहाँ पे आप एक सेट आज सॉल्व किया, आपने 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद उठाओगे वो सेट, आपको नया लगेगा. तो आपको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है टिल दी एग्जामिनेशन. तो ये हो गया आपका टाइमलाइन. अब आते हैं डेली प्रिपरेशन पे. डेली प्रिपरेशन वाइज 3 से 4 RC आपको डेली बेसिस पे सॉल्व करने विदाउट फेल. उसके साथ साथ वर्ड पावर मेड इजी जो आपकी बुक है वो कैप के लिए, ये आपकी इंग्लिश की बुकलेट है, तो यहाँ से आपको पूरे इंग्लिश के RC करने हैं. प्लस आपके डैशबोर्ड पे लॉगिन करो, 500 क्वेश्चन का हैंडआउट है फॉर दी RC, स्टार्ट सॉल्विंग इट. 3 से 4 RC डेली बेसिस पे सॉल्व करोगे तो आपका एक पेस बनेगा,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेके सिलेबस में मैं डिस्कस करूंगा कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे और कैसे करने वाले हैं हम. ओके, द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग पेज वन एंड एडिटोरियल विदाउट फेल, एक घंटा आपको रीडिंग पे काम करना ही करना है. अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे तो कैट बोल जाओ, अगर आपने अपने रीडिंग पे काम नहीं किया देन इट विल बी प्रॉब्लमेटिक टू हिट व्हाट्स कॉल्ड इन दी वर्बल सेक्शन. ओके, मैथ्स के कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस, ठीक है, ये तीन चार चीज़ें हैं जो आपको डेली बेसिस पे चालू कर देनी है विदाउट फेल. नेक्स्ट इज अबाउट द सिलेबस एंड द वेटेज. ओके, सो क्या क्या सिलेबस आएंगे आपके, कॉन्ट VARC एंड LRDI से, और उसका वेटेज क्या होगा. ओके, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्ट. कॉन्ट के अंदर जो डोमिनेटिंग एरिया दैट इज द अरिथमेटिक, 9 to 10 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द अरिथमेटिक. अलजेब्रा 5 to 6 क्वेश्चन, 3 to 4 क्वेश्चन ज्योमेट्री मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम 2 to 3 क्वेश्चन, 1 to 2 क्वेश्चन फ्रॉम द मॉडर्न मैथ्स. अब इसका सिलेबस देख लेते हैं. अरिथमेटिक के अंदर आएगा परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, पार्टनरशिप, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क. अलजेब्रा के अंदर आपके लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल, सेट थियरी, लॉगरिथम, प्रोग्रेशन, मॉडुलस वाले क्वेश्चन, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन एंड फंक्शन. फॉलोड बाय ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के अंदर लाइन, एंगल्स, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, पॉलीगॉन्स, क्वाड्रिलेटरल्स, क्वाड्रेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री. नंबर सिस्टम के अंदर आएगा आपका बेसिक एंड डिविजिबिलिटी रूल्स, यूनिट डिजिट, लास्ट टू डिजिट, रिमाइंडर थियरम, फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन, LCM, SCF, फाइंडिंग फैक्टर्स एंड ट्रेलिंग जीरो. एंड लास्टली मॉडर्न मैथ्स, जिसके अंदर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, सेट थियरी, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले क्वेश्चन. सो दिस इज वॉट द कंप्लीट सिलेबस फॉर द कॉन्ट सेक्शन. अगर आपका मैथ्स वीक है तो मेरा आपको सजेशन ये है कि अरिथमेटिक पे सबसे पहले ट्रिगर करो और यहाँ पे क्वेश्चन राइट करने के बारे में सोचो, ठीक है. कितने क्वेश्चन राइट करोगे, क्या परसेंटाइल बनेगा, मैं उस पर भी बात करूँगा. बट अरिथमेटिक यार हमने ये स्कूल में पढ़ा है 9th-10th में, तो आराम से आप कर लोगे. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है. ओके, लाइकवाइज अलजेब्रा, ये दो एरिया से अगर आप देखोगे तो अराउंड 14 to 15 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं आपके एग्जाम में. उसके बाद ज्योमेट्री है, अगर आपको ज्योमेट्री मेंसुरेशन जमता है तो आप उसको करो, अदरवाइज उसको आप बाद में कर सकते हो, ठीक है. पहले आपका अटैक अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा पे होना चाहिए. लाइकवाइज वेटेज वाइज मैं बता रहा हूँ, ज्योमेट्री मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम एंड मॉडर्न मैथ्स. ओके, तो कुछ टॉपिक आपको मैथ्स में जमेंगे, कुछ टॉपिक आपको लगेगा कि यार टफ जा रहा है, इट इज़ ओके, उसको लेके क्रिबल बिल्कुल नहीं करना, हमारे पास क्रिबल करने का टाइम नहीं है, ठीक है. अरिथमेटिक पे सबसे पहले काम करो, 9 to 10 क्वेश्चन जो आपके बनने वाले हैं यहाँ से आने वाले, उस पर पहले काम करो, फिर अलजेब्रा एंड ज्योमेट्रिक, ये तीन एरिया को पहले पकड़ो, बाकी का भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है. मतलब अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंस्ट्रुएशन आप कोशिश करो अगस्त तक मेजरली कवर करके खत्म करो, उसके बाद का टाइम जो बचा है वो हम दूसरे टॉपिक पे देंगे. ओके, सो फ्रॉम योर मैन्युअल बुकलेट देर आर 50 क्वेश्चन गिवन, 3 times यू हैव टू सॉल्व ऑल दिस कॉन्ट क्वेश्चन. तीन बार सॉल्व करोगे तो जाके आपका ग्रिपिंग बनेगा क्वेश्चन टाइप को लेकर के. ओके, नेक्स्ट इज VARC. VARC के अंदर 16 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे आउट ऑफ 24 क्वेश्चन. तो ओवरऑल 24 क्वेश्चन VARC से, 16 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे एंड वर्बल एबिलिटी से 8 क्वेश्चन आएंगे. ओके, सो इसलिए मैं बोलाऊँ कि 3 to 4 आर सी डेली का प्रैक्टिस करना चालू कर दो. सबसे ज़्यादा वेटेज आपके RC का है. सिलेबस वाइज आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा एक, एंड वर्बल एबिलिटी से आपके बनेंगे पैरा जंबल, पैरा समरी, ऑड मैन आउट. सो ये तीन एरिया है आपके वर्बल एबिलिटी से जहाँ से आपके 8 क्वेश्चन बनने वाले हैं. तो उसको भी लेके हम अगस्त ऑनवर्ड्स विल स्टार्ट सॉल्विंग दी क्वेश्चंस. बट हाँ, ये आपका VARC का एरिया है. अगर आपका रीडिंग का पेस अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी है आपकी, तो आप यहाँ पे अच्छा करोगे. लास्ट सेक्शन इज LRDI. 20 क्वेश्चन विल बी कमिंग फ्रॉम दिस टॉपिक, लॉजिक से 10 क्वेश्चन, डेटा इंटरप्रिटेशन से. समटाइम यू विल नॉट अंडरस्टैंड लॉजिक से पूछा है क्वेश्चन की DI से पूछा है. लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखो, इट वॉज डिफरेंट लेवल पेपर. LRDI इज द टफेस्ट सेक्शन ऑफ द कैट. सो LRDI के अंदर अपने को कट ऑफ निकाल के आगे बढ़ना है. यहाँ पे स्कोर मैक्सिमाइज मतलब कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट होता है. कॉन्ट एंड VARC में वी कैन मैक्सिमाइज आर स्कोर. यहाँ पे हमें मैनेज करना है कि हमारा कट ऑफ मिनिमम क्लियर हो जाए. एटलीस्ट 90 के ऊपर तो हमारा परसेंटाइल एनीवे बनना ही चाहिए, ठीक है. तो ये है आपका LRDI. ओके, सो सेक्शनल कट ऑफ वाइज इफ यू आस्क मी, 90 के ऊपर या सब में जाओ. कैट के अंदर 90% लाना नथिंग, मतलब 90% आराम से आ जाएगा. उसके ऊपर जाना, 95 के ऊपर जाना, 98, 99 के ऊपर जाना, वहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है. बट 90% आराम से आ जाएगा. अगर आपने पूरा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर किया, मॉक लिखा और प्रैक्टिस की, तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी स्कोर वर्सेस परसेंटाइल. कितने क्वेश्चन आप करेक्ट करोगे, अटेम्प्ट नहीं, करेक्ट, आपके करेक्ट होने चाहिए. मार्क्स क्या बनेगा, परसेंटाइल क्या बनेगा मेरा, ठीक है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है. पूरे आपके 66 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से अगर आपने 12 से 13 क्वेश्चन अगर राइट किया है, आपके मार्क्स बनते हैं 36 plus 80+ percentile अपना आराम से आ गया, ठीक है.
14 क्वेश्चन अगर आपने राइट किया 42 मार्क्स 85 प्लस परसेंटाइल, 17 प्लस क्वेश्चन अगर आपने राइट किया ठीक है आउट ऑफ 66 50 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 90 प्लस परसेंटाइल आपका यहाँ पे बन गया। मतलब आप ये कोशिश करो ये 20 तक तो अपने राइट होने ही चाहिए, 20 क्वेश्चन आप मतलब 1/3 मैं बोल रहा हूँ 1/3 है ना, मतलब 20 से 22 क्वेश्चन आपको अगर आपने राइट कर लिया आप ये रेंज में हो 20 से 25 के बीच में, मतलब 95 से 97 के बीच में आपका परसेंटाइल बनेगा जो कि अच्छा परसेंटाइल है। एटलीस्ट अच्छे कॉलेज से आपको कॉल आ जाएगा, बट आईएम के लिए ब्लैकी के लिए और आगे जाना पड़ेगा अपने को ठीक है। 25 अगर आपका आ रहा है 75 मार्क्स तो वो बनता है 75, 20 पे 95 परसेंटाइल, 29 क्वेश्चन अगर आप राइट कर पा रहे हो तो 85 मार्क्स बन रहे हैं 99 प्लस परसेंटाइल ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोझिकोड़े इंदौर से कॉल आ जाएगा, प्रोबेबली लखनऊ से भी ठीक है, बट एबीसी के लिए थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा अपने को ठीक है। 31 क्वेश्चन अगर हमने राइट किया 93 मार्क्स तो आपका 99.50 के आसपास परसेंटाइल बनेगा। 33 प्लस क्वेश्चन राइट कर रहे हो 100 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली इज नथिंग बट अराउंड 99.99 या 100 परसेंटाइल आप बोल सकते हो। तो आप देख रहे हो इसका आधा 50% क्वेश्चन 33 × 3 मतलब 99 टू 100 मार्क्स के आसपास आप लेके आ रहे हो तो आप 100 परसेंटाइल के आसपास हो, 99.99 के आसपास हो ठीक है। ये चार्ट लिख करके आपके नोटिस बोर्ड पे लगा दो जहाँ पे आप पढ़ते हो ठीक है, मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आएगा और आपको जब भी आप मॉक लिखोगे आपको समझ में आएगा ना मैंने ये स्कोर लेके आया तो मेरा मैं किस रेंज में आ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ द परसेंटाइल ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट दिस इज व्हाट द रेंज, दिस इज व्हाट द अप्रॉक्सिमेट मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल यू कैन से ठीक है। तो ये आपको चेस करना है ओके। इफ़ यू आर मैन्युअल स्टूडेंट हु आर वॉचिंग दिस वीडियो ये लिख के आपके नोटिस बोर्ड पे तो लगा ही देना है आपको, मैंने सेशन में भी बोला हुआ है मेरे कि ये काम आपको डेफिनेटली करना ही करना है ओके। अब बात करते हैं मेजर हर्डल्स की, मेजर हर्डल्स क्या क्या आते हैं। मेजर हर्डल्स एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार मेरा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मेरा मैथ्स वीक है, इंग्लिश खराब है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, वर्नाकुलर वाला हूँ, मेरे को LRDA नहीं समझता, तो एक तो कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम है। दूसरा गोल सेटिंग, ये मैंने मैक्सिमम देखा जब भी मैं लेक्चर ले रहा हूँ लाइव या क्लासरूम तो ये क्लैरिटी नहीं आती है कि यार कॉलेज कौन सा जाना है, सर अभी डिसाइड नहीं किया ना, अभी तो पढ़ाई करूँगा फिर डिसाइड करूँगा कॉलेज। भाई अगर आपने गोल ही सेट नहीं किया आप चेस क्या करोगे, यू शुड सेट द गोल फर्स्ट राइट। तो गोल सेटिंग, नॉट श्योर कि सर मैं निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, मैं इस साल पढ़ूँ या अगले साल पढ़ाई करूँ, यार अगले साल का अगले साल देखेंगे, अभी तो इस साल फोकस करते हैं ना, टाइम है हमारे पास। वीक इन मैथ्स, ये तो मतलब जितने लोगों से मैं मिलता हूँ मैक्सिमम जनता का ये प्रॉब्लम, मेरा मैथ्स वीक है। अगर मैथ्स वीक है तो मैंने बता दिया आपको वेटेज ठीक है, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस एरिया ठीक है। और प्रैक्टिस इज द ओनली की, जितना पेन घसोगे उतना आपका मैथ्स अच्छा होगा। हाई लेवल इंग्लिश इशू, यार कैट का RC लास्ट ईयर का उठा के देख लो आपको समझ में आ जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ठीक है। तो आपको रीडिंग पे काम करना पड़ेगा, और हाँ अगर आपका वर्नाकुलर वाले हो तो रीडिंग पे काम करो, बाय डिफॉल्ट आपका वर्बल सेक्शन अच्छा होगा। हाउ टू डिकोड द क्वेश्चन वो सब हम करेंगे ठीक है, उसको लेके देयर इज अ वीडियो लेक्चर्स ऑन योर डैशबोर्ड, देयर आर द क्वेश्चन फॉर द प्रैक्टिस पर्पज, मॉक में क्वेश्चन है, फिर वर्कशॉप भी वी आर टेकिंग, तो इतना सब करेंगे हम लोग ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, अभी के लिए टाइम मैनेजमेंट वाला डिस्कशन हम बाद में कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट में एक तो प्रिपरेशन को लेके होता है और एक तो एग्जाम का पूरा ओवरऑल अटेम्प्ट करने को, उसको लेके क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, मॉक को लेके, वो सब मैं अलग से डिस्कस करूँगा। अभी के लिए प्रिपरेशन के लिए आप मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग में टाइम स्लॉट देख लो और अकॉर्डिंगली स्ट्रेटजाइज योर प्रिपरेशन। ओवरऑल मॉक कैसे लिखेंगे उसको लेके अलग से डिस्कशन हम करेंगे। टाइम मैनेजमेंट का इशू दो लोग को ज़्यादा आ रहा है, वर्किंग प्रोफेशनल और जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है थर्ड ईयर जो फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है उनको, तो उनको मेरा रिक्वेस्ट यही है आप ट्रैवलिंग टाइम को यूज़ करो नंबर वन। नंबर टू, आप अर्ली मॉर्निंग में टाइम निकाल लो या लेट इवनिंग में टाइम निकाल लो, भाई टाइम तो निकालना पड़ेगा ना अगर आपको ये कॉलेज में जाना है ठीक है, और आपको अच्छा प्लेसमेंट अच्छा कॉलेज ठीक है ये सब चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। नो पेन नो गेन, वेरी क्लियर ओके। हाउ टू स्टार्ट, तो सिंपल है, स्टार्ट वॉचिंग ऑल द वीडियोज फ्रॉम योर डैशबोर्ड, अटेंड द लेक्चर, प्रैक्टिस द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ठीक है, और पढ़ाई चालू करो आप ठीक है। बट अभी लेट मत करो, फटाफट चालू करो आपकी पढ़ाई, जब भी मेरा ये वीडियो देख रहे हो आप, जुलाई में देख रहे हो, अगस्त में देख रहे हो, जब भी देख रहे हो ठीक है, या जून में देख रहे हो, स्टार्ट करो, डिले नहीं करना ओके। कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग, हाँ बेसिक बहुत अच्छा आपका रखना, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो लॉजिक हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर इंग्लिश का हो ठीक है।
इंग्लिश में आपके एक वोकैब के लिए वर्ड पर मेड इजी मैंने ऑल टाइम सजेस्ट करता हूँ, वोकैब आपको करना ही करना है, रेड कलर वाली बुक, ठीक है, ये वाली बुक है और उसका पूरा वीडियो, इस बुक का पूरा वीडियो आपके मेन्यूअर के डैशबोर्ड पर अवेलेबल है, प्लीज़ गो एंड वॉच। ये बुक को आपको रटना नहीं है, कैसे वोकैब गो थ्रू करना है वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ये काम करना है आपको। तो यहाँ पे डेली में आप एक वर्ड पावर मेड इजी लिख लो यार, वर्ड पावर मेड इजी लिख लो, ओके। अदर इश्यूज कुछ है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता दो, ओके। दीज आर द मेजर हर्डल्स आई थिंक स्टूडेंट फेस, तो सोल्यूशन भी मैंने दे दिया है क्या करना है आपको, और सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की है, अभी आपका काम है एग्जीक्यूट करना। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट योर कैट 2024 150 डेज प्लानर, जिसमें अपन टाइमलाइन, सिलेबस वेटेज, स्कोर वर्सेस परसेंटाइल, मेजर हर्डल्स और डेली प्रिपरेशन आपको क्या क्या करनी है, एवरीथिंग आई हैव डिस्कस। टारगेट इज क्लियर, ठीक है, कौन से कॉलेज में मुझे जाना है, और मुंबई में अगर आप हो तो भाई आपके लिए आई एम मुंबई भी आ गया है, और एस पी जैन इज द गुड कॉलेज थ्रू कैट। किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन, फॉर द प्रिपरेशन यू कैन विजिट आवर सेंटर मुंबई में अगर आप हो तो, अगर मुंबई में नहीं हो तो ऑनलाइन के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है आई एम मुंबई वर्सेज एस पी जैन, सो उसको भी देखना, और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, सो बी कनेक्टेड ऑन द चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, मेन्यूअर एमबीए एंट्रेंस, एंड इफ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन सम अदर टॉपिक ऑलवेज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।